हेलो फ्रेंड्स, आप फिर से एक बार स्वागत है आपका अपने इस चैनल पे। हमारे एक दोस्त ने कमेंट करके पूछा था कि कोई टेस्टिंग का वीडियो बनाओ, इसके लिए आज ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ टैंक टेस्टिंग का। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये टैंक को हमने पूरी तरीके से पानी से भर दिया है और ये जो टेस्टिंग मीटर कहते हैं इसको, और इसका जो हैंडल आता है, हैंडपम्प जैसा हैंडल होता है जिससे हम पानी उसके अंदर और प्रेशर से पम्प करते हैं, जाकि आप इसको देख सकते कि यहाँ पे उसको एक नली से कनेक्ट किया हुआ है और उसका हैंडल मार के उसका हमने प्रेशर बढ़ा दिया है। और एक बार ये टंकी से थोड़ा लीकेज हो गया, पुरानी टंकी होने के बाद फिर हमने उसको फिर से लीकेज निकालने के लिए फिर से उसको प्रेशर रिलीज़ कर दिया। जहाँ देख सकते हम ये एक प्लग खोल के उसका प्रेशर निकल रहे, हम प्लग कर रहे उसको। हाँ, उधर से अभी पानी निकलेगा, ये खोल रहे हम। हाँ, ये देखिए पानी की बौछार कितनी ऊपर तक जाती है। हमको इसके लगभग 5 kg का प्रेशर इसको देना पड़ता है टेस्टिंग के लिए। इतना प्रेशर देने के बाद अगर कहाँ से पानी लीकेज नहीं हुआ, इसका मतलब टेस्टिंग अपना हमारी ओके हो गई है। हम टैंक को ओके करके उसमें पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं। अब ये टैंक का फेल हो गया तो फिर से उसके लीकेज निकाल के फिर से टेस्टिंग करवा रहे हैं। देखिए अभी इसको फिर से लीकेज निकाल के फिर से उसको एक बार तैयार किया टेस्टिंग के लिए, और 1 डेढ़ घंटे तक पूरा छोड़ के कहाँ से पानी निकलता है कि नहीं निकलता है ये देख के टेस्ट करके ओके कर दिया है। अभी फाइनल स्टेज है, अभी ये प्रेशर रिलीज़ कर रहे हैं हम। जैसे कि आप देख सकते हैं, वो जो छोटी वाली नली लगाई थी जो हैंडपम्प से हमने कनेक्ट की थी, उसको अभी हम रिलीज़ कर रहे हैं। देखिए पानी की बौछार कितनी ऊपर तक जा सकती है, देखिए कितनी ऊंची जा रही है बौछार। इंडियन ऑयल के लोगों के ऊपर भी, जो लोगो है उसके ऊपर जा रही हो। इसको कहते हैं पानी का प्रेशर। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रेशर रिलीज़ करने के बाद ये पानी की बौछार ऊपर तक जाती है, और जब तक हमने प्रेशर लगाया हुआ है तब तक कहाँ से कहीं से भी पानी लीकेज नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से लीकेज हो गया तो फिर से वो लीकेज निकाल के फिर से एक बार टेस्टिंग करनी पड़ती है। जब तक वो टेस्टिंग पूरा नहीं हो जाए, लीकेज पूरा निकल नहीं जाता, तब तक वो इतनी बार टेस्टिंग करनी पड़ती है। अगर नई टंकी हो तो इतना प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन अगर ये टंकी हमने पुरानी एक जगह से निकल के दूसरी जगह डाली है, इसके वजह से वो हमको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम आया टेस्टिंग के वजह। ये देखिए एक टंकी के होने के बाद ये दूसरे टंकी का भी टेस्टिंग का हमने किया था, उसका भी वीडियो आप देख सकते हैं। कमल जी, आपको हाथ लगाना पड़ेगा। नहीं नहीं पाइप नहीं कटेगा मोहन जी, स्टील है उसके अंदर। आप हाथ छोड़िए। आपकी टंकी को अगर मैं प्रेशर देता हूँ, उसका भी यही है, गड़ी खराब देता है। गड़ी खराब तो सर्विस में होता है, गड़ी खराब प्रेशर होता ही नहीं टंकी। देखो उसका प्रेशर अगर ज़्यादा देंगे तो फट जाएगी। उसको साथ ही अगर मैं भी डालूंगा ना तो वो कहेगा कि ओके आपके दांत में इससे करवा दो काम। ये तो जानो फाइनल। वो काटा का तो कोई फर्क, काटा फेल है, काटा फेल लग रहा है। हां काटा फेल लग रहा है। इतना प्रेशर अपन ने कहीं पे इतना प्रेशर देखा है? प्रेशर निकलता हम जब खोलते हैं बस इससे ज्यादा ही जाता है। मैंने तो कट कर दिया। मैंने कहा नहीं, छोटे मोटे नीचे मेरे सामने कुछ भी लगते मैं प्रेशर चढ़ा देता हूँ। वो साहब के सामने के देना साहब खोलो अपने सर्विस का भी करा देना। इसको देख लेते हैं। ये देर इसी पाइप को रंग साफ से पानी गया होता है। देखिए रुको गया है। उतर गया क्या? वो वही लॉक है, वही तो उतरना। वही काटा फेले हो बात, टाइम बुढ़ गई।